फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? क्लास टेंथ मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें अगेन कंटिन्यू करना है, तो बने रहें लास्ट तक वीडियो में और एंड तक ज़रूर देखें। जो भी स्टूडेंट्स बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरीज है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। ये रिविजन क्लास है आपका, जो चैप्टर 1 है रियल नंबर्स, उसके बारे में मैंने आपको बेसिक पॉइंट क्लियर भी किया था। रैशनल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, और ये कई सारे पॉइंट मैंने आपको क्लियर भी किया है। तो वन बाय वन जाकर के स्टेप बाय स्टेप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है, वहां पर जाकर के आप वॉच कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को, सेशन को शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 दिया हुआ है। बाय व्हाट द नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज अ कोशेंट एंड 32 एज रिमाइंडर। यानी कि ये क्वेश्चन गिवन है और इसमें मैंने आपको बताया था यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया है। तो उस प्रमेय को आपको पढ़ना है, जो थ्योरम है। तो सबसे पहले आपको ये जो क्वेश्चन जो सॉल्व होगा, मैंने आपको उससे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा बताया था, उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आपको पहले वाले लेक्चर को अटेंड करना होगा। तो आइए देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में। फार्मूला मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब इसमें से आपको गिवन क्या क्या है, ये देखिए, ये कह रहा है कि 1365 बी डिवाइडेड, यानी कि डिविडेंड जो आपका गिवन है यहाँ पर, डिविडेंड 1365 दिया हुआ है, रिमाइंडर आपका आता है 32, और जो कोशेंट है वो आपका दिया हुआ है 31 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब ये सारी वैल्यूज को इसमें रख देना है और हमें ये डिवीजन को फाइंड आउट करना है, वही आपका नंबर होगा। तो यहाँ पर आपको रखना है इस फार्मूले में, तो 1365 इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट आपका गिवन है 31 और प्लस आपका रिमाइंडर दिया हुआ है 32। अब देखिए, हमें 32 को इस तरफ लाना है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू डिवीजर इनटू 31। अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं डिवीजर इनटू 31 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, 6 में 3 गया 3, यानी कि 133 आ जाएगा। अब डिवीजर यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1333 अपॉन 31। 31 का हमें डिवाइड करना होगा तो ये कितने बार जाएगा, 43, यानी कि जो हमारा नंबर आएगा डिवीजर वो कितना होगा, 43 होगा। ये देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा का अप्लाई मैंने किया है और ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ये डिवीजर हमें नंबर फाइंड आउट करना था कि वो कौन सा नंबर होगा कि हम जिससे डिवाइड करें तो वो हमें जो रिमाइंडर है वो 32 आ जाए और जो कोशेंट है वो कितना आ जाए, 31 आ जाए। तो यही 43 से अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं 1365 में, तो आपका यही रिमाइंडर आएगा और ये आपका कोशेंट आएगा। तो ये क्वेश्चन को केवल समझना है और इस तरह से इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो कह रहा है कि इफ़ द SCF ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ, मतलब इस फॉर्म में हमें इसको एक्सप्रेस करना है और फिर यम की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका SCF फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया है 408, 408 को हम डिवाइड करेंगे 1032 में, ये इसमें डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ से SCF निकल के आ जाएगा, जो मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा बताया था उससे हमें डिवीजन मेथड से SCF निकालना है। तो SCF निकालेंगे कितनी बार जाएगा,
टू बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, टू बार, टू एट जा 16, टू फोर जा 8, सब टैग करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर, 12 में 6 गया 6 बचेगा, 2 में 1 गया 1 और यहाँ पर आ जाएगा 216, 216 को हमें फिर से 408 में डिवाइड करना है, तो ये कितना आ जाएगा, अगर ये 2 बार जाता है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो यानी कि 1 बार इसका जाएगा 216, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, 10 में 1 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 9, 192 आ जाएगा। अब 192 को हमें 216 में फिर अगेन डिवाइड करना होगा, तब यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा दोस्तों, 1 बार फिर से जाएगा 192, सब टैग करेंगे 6 में 2 जाएगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और 11 में 9 जाएगा 24 आ जाएगा, 24 को हमें 192 में डिवाइड करना है, ये कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा 32 और 8 टू जा 16, 16 में 3 ऐड करेंगे 19, ये देखिए आपका कट गया, यानी कि SCF इस क्वेश्चन का कितना निकल के आया दोस्तों, SCF आया आपका 24, ये आपका आया 24। अब ये जो SCF आया है, अब यही SCF इस इक्वेशन के इक्वल कर देना है, क्योंकि जो ये SCF है इन दोनों का निकालने के बाद इसको एक्सप्रेसिबल कर रहा है, तो एक्सप्रेसिबल का मतलब यही है कि आपको यहाँ पर क्या करना होगा, 1032m इज माइनस 408 इंटू 5 इज इक्वल टू 24। अब इसे सॉल्व करेंगे, 1032m माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2040 इज इक्वल टू 24, 1032m इज इक्वल टू, इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये 24 में ये ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद ये कितना आ जाएगा देखिए, 462064 आ जाएगा, ऐड करते हैं तो 1032m इक्वल टू, अब m इक्वल टू निकालना है तो 2064 अपान 1032। अब ये देखिए 2 से कट रहा है, ये कितने से कट रहा है, 2 से, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आएगा, जो हमें m की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना था, इस क्वेश्चन में आपको m की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना था, तो ये क्वेश्चन आपका निकल के आ गया, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, यूक्लिड डिवीजन लेमा मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, SCF यहाँ पर निकाला है और SCF आपका यहाँ पर 24 आया है, और इस 24 को जो इक्वेशन आपकी गिवन है उसके हमने इक्वल कर दिया है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इसके बाद जो m की वैल्यू है हमें सॉल्व कर लेना है और m की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है, तो ये क्वेश्चन आपका 10 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर ये 11 दिया हुआ है आपका और ये 12 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में देखिए, 11 जो क्वेश्चन है जस्ट मैंने आपको पहले बताया था, क्वेश्चन नंबर 10 जस्ट वैसा ही है, इसको भी हम अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए कैसे करना है। इसमें भी कह रहा है कि इफ़ द SCF ऑफ 657 एंड 963 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 657 ex प्लस 963 इनटू में दिया हुआ है माइनस का 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 657 डिवाइडेड बाई 963, इसका हमें SCF निकालना है, और जो SCF आता है उस इक्वेशन को इसके इक्वल कर देना है, x की वैल्यू निकल के आएगी, तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, तो ये कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा 657, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 में 7 चला जाए कितना बचेगा, 6, यहाँ पर 5 बचा यानी कि 0, यहाँ पर आया आपका 3, ये कितना आ गया 306, 306 को 657 में फिर से डिवाइड करना है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 सिक्स जा होता है 12 और 2 थ्री जा 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 में 2 गया 5, 5 में 1 गया 4, 45 का डिवाइड करना है 306 में, अब 306 में डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा 364 जा 24 में मैंने 3 ऐड किया तो आया आपका 27,
यानी कि 270 आया। 270 को यहाँ पर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आ जाएगा और यहाँ पर 3। 36 का डिवीजन करते हैं 45 में, ये 1 बार जाएगा 36 आएगा, 15 में 6 जाएगा तो 9 आ जाएगा। 9 का डिवीजन करते हैं किस में, 36 में, 4 बार जाएगा। 9 का डिवीजन करते हैं किस में, 36 में, तो ये 4 बार गया, यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0। ये आपका क्या निकल के आया, SCF आया, यानी कि SCF जो हमारा निकल के आता है वो 9 आ गया। अब इस 9 को इस इक्वेशन के इक्वल करना है और इसका आंसर निकालना है, तो यहाँ पर लिखते हैं 657x प्लस 936 ब्रैकेट में है 15 इक्वल टू, यहाँ पर 9 लिख देते हैं। ये जो 9 आपका SCF आया है, इस इक्वेशन को मैंने इसके इक्वल कर दिया। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। 657x, यहाँ पर ये देखिए माइनस है और ये प्लस है, तो ये माइनस की वैल्यू आ जाएगी। और इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 5, 4 कैरी लगा, 90 में 4 ऐड करेंगे तो 94 आ जाएगा, 9 कैरी लगेगा, और 15 9 जा, और इसको ऐड करेंगे तो 144 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 9। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो 9 प्लस 1445 ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर 4, फिर 4, 1, 1445 4, 657x, x की वैल्यू निकालेंगे तो 14454 अपान 657। इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 22 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 22 आ जाएगी। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर निकल के आएगा 22। ये देखिए बिल्कुल जैसा मैंने पहले क्वेश्चन बताया था वैसा ही है, आपको इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने अभी तक जितना भी आपको टॉपिक पढ़ाया है रियल नंबर्स में, यूक्लिड डिवीजन लेमा और उसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, ये जितने टाइप के क्वेश्चन, जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती थी वो मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा के मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। कुछ क्वेश्चन अभी रिमेनिंग है, वो हम आपको वन बाय वन सॉल्व कराते जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12 दिया हुआ है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 गिव्स 27 एज अ कोसेंट एंड 32 एज अ रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। ये देखिए मैंने इसी तरह का क्वेश्चन आपको बताया था, इसमें आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा ही अप्लाई करना है। मैंने अभी फार्मूला भी लिखा था कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, अब यहां पर डिविडेंड आपका क्या दिया हुआ है निकालना है, डिवाइडेड है यानी कि डिवीजर आपका दिया हुआ है, क्योंकि डिवाइड कर रहा है पहले से, कितना दिया हुआ है आपका 61, फिर आपका गिवन है 27 कोसेंट, कोसेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में 27, और रिमाइंडर जो आपका निकल के आया है उसी क्वेश्चन में 32 आया है। अब इन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में रखना है, तो डिविडेंड इक्वल टू आएगा आपका डिवीजर, सॉरी आपका दिया हुआ है 61 इंटू कोसेंट 27 प्लस रिमाइंडर। इसको सॉल्व करेंगे, 61 इंटू 27 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आता है,
इतना आ जाएगा। इसको आपको यहाँ पर 1647 प्लस 32 सॉल्व करेंगे, 9761 इतना आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 और 14। ये देखिए क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 and 149 लीविंग रिमाइंडर्स 9 and 7। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। कोई नंबर यक्स है उसको हम डिवाइड करते हैं किस में, 285 में, तो उसका रिमाइंडर कितना बचता है, 9 बचता है। और इसी तरह से दूसरा नंबर है उसको हम डिवाइड करते हैं 1249 में, तो उसका भी रिमाइंडर कितना बचता है, 7 बचता है। तो यहाँ पर आपको यक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 285 माइनस 9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 15 में 9 जाएगा, 6 आया, 7 और 2, 276 आ गया। अब सिमिलरली यहाँ पर भी वही काम करना है, यक्स की वैल्यू आपकी 1249 माइनस 7 कर देंगे तो 1242 बचेगा। ये नंबर आया है क्योंकि रिमाइंडर इसमें बच रहा है दोनों नंबर्स को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, तब जब रिमाइंडर आपका बचता है तब इनको हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों नंबर्स में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, फिर हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ हम यहाँ पर निकालते हैं 276 डिवाइड बाई 1242, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। इसको हमें डिवाइड करना है कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। यहाँ पर 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और यहाँ पर 11 आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में 4 गया कितनी बचा, 8 बचा। यहाँ पर आया 3 और यहाँ पर आ गया 1। अब 138 का डिवीजन करना है 276 में, ये कितनी बार जाएगा, ये आपका 2 बार जाएगा, 28 जा 16, 23 जा 6, 7 आ गया, 21 जा 2, ये पूरा पूरा कट गया। यानी कि एचसीएफ इसका कितना निकल के आया दोस्तों, 138 आया। आंसर भी आपका यही आएगा, 138 एचसीएफ। ये क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसको हमने इस तरह से कर दिया, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं 14 नंबर क्या दिया हुआ है। फोर्टीन नंबर कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 6, 5 and 117। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें इसका और इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में करना है, और एक्स और वाई की इसको कंपेयर करके वैल्यू भी निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए इसका एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ पहले निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 65 का डिवीजन 117 में करना पड़ेगा। तो जब 117 में करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 5, 52 आया। 52 का डिवीजन हम फिर से 65 में करेंगे तो 52 का डिवीजन करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। यहाँ पर आएगा 52 तो ये आ जाएगा आपका 3 और 1 आया। इसका डिवीजन हम करेंगे फिर से 52 में तो ये आ जाएगा, यानी कि एचसीएफ इसका कितना निकल के आएगा दोस्तों, 13 आएगा। अब 13 को ये जो हमारी एक्सप्रेशन दी हुई है इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल करना है, तो 13 इक्वल टू 65x प्लस 117y। ये इक्वेशन हम मान लेते हैं कि 1 है, ए इक्वेशन है। अब इसको हम एचसीएफ निकाला था, अब इसको हमें कैसे करना है, देखिए 117 इक्वल टू 65 इंटू 1 प्लस 52, ये एक इक्वेशन बन गई। और यहाँ से आपकी दूसरी इक्वेशन बनेगी 65 इक्वल टू 52 इंटू 1 प्लस 13,
ये आपकी दूसरी बन गई। अब तीसरी क्वेश्चन यहाँ से क्या बनती है कि 52 इक्वल टू 13 इंटू 4 प्लस 0। अब ये जो 0 है ये तीसरी इक्वेशन आई, 0 वाले को रिमाइंडर वाले को वैल्यू को इक्वेशन को नहीं लेना है। अब पहले और दूसरी इक्वेशन से यहाँ पर लिखते हैं बाई इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड से लिखते हैं तो कितना आता है देखिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 65 इक्वल टू 52 इंटू 1 प्लस 13। इसको हमें इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेसिबल करना है। तो ये देखिए 13 है तो 13 को हमने इधर कर लिया और ये क्या हो जाएगा 65, मान लेते हैं इसको हमने इधर किया तो 52, ये आपकी इक्वेशन बनी 52 इंटू यहाँ पर 1, ये आपकी इक्वेशन एक बन के तैयार हो गई। अब दूसरी इक्वेशन से देखते हैं बाई इक्वेशन पहली से, फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या दी हुई है 117 इक्वल टू 65 इंटू 1 प्लस 52। अब देखो 52 है, 52 की जगह पर हम अगर ये पूरा रख दें तो ये 13 वाली इक्वेशन, क्योंकि हमें इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल करना है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा 52 इक्वल टू 117 माइनस 65 इंटू 1, ये आपकी इक्वेशन बनी। मैंने क्या किया इसको हमने इधर ले लिया तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब देखिए इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हमें क्या समझ में आता है, 52 की जगह हम इतनी वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको रखना है तो यहाँ पर लिख देना है कि फ्रॉम इक्वेशन, जी अपडेटेड इक्वेशन है, इसको हम कोई इक्वेशन मान लेते हैं, थर्ड है ये और ये फोर है, तो यहाँ पर लिखेंगे थर्ड एंड फोर से। तो थर्ड में आपका क्या दिया हुआ है 13 इक्वल टू 65 माइनस 52 इंटू 1। अब यहाँ पर 52 की जगह पर हमें ये पूरी वैल्यू रखना है तो 13 इज इक्वल टू 65 माइनस 52 की वैल्यू है आपकी 117 माइनस 65 इंटू 1 और फिर ब्रैकेट में यहाँ पर ये इतना 1 दिया हुआ है मल्टीप्लाई में। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 13 इज इक्वल टू 65 117 आ जाएगा और इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 65 इंटू 1 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को एक जगह लिख सकते हैं तो 13 इज इक्वल टू 65 प्लस 65 इंटू 1 माइनस 117। हमें इस फॉर्मेट में करना है 65 प्लस 117 के फॉर्मेट में। तो ये देखिए ये क्या निकल गया है 13 इज इक्वल, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 65 और माइनस का, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस है तो इसको हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे 117 और ब्रैकेट में यहाँ पर माइनस 1 लिख देंगे। तो ये देखिए इस फॉर्मेट में ही है, ये फॉर्मेट में ही आपके ये ए इक्वेशन के फॉर्मेट में ये इक्वेशन आपकी निकल के आई है। तो इसको अब हम कंपेयर कर देते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे कि कंपेयर 13 इज इक्वल टू 65x प्लस 117y। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू देखिए 13 है, यहाँ पर ये भी 13 है, 65x है यानी कि 65 की x की जगह कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, y की जगह कितना दिया हुआ है माइनस 1। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा SCF आपका तो निकल के आया 13 और x की वैल्यू आ जाएगी 2, y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस का 1, ये इसका आंसर होगा। कंपेयर करने के बाद ये कंपेयर हमें ज़रूर करना है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन था, बहुत इजी था, सिंपल क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा इसको एक ट्रिक है जो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये दोनों इक्वेशन पे ध्यान देना है और रिमाइंडर पे, रिमाइंडर जिसमें 0 आ रहा है उसको आपको उस इक्वेशन को नहीं लेना है क्योंकि वो तो ऑलरेडी से 0 है, यहाँ पर से कुछ ऐसी वैल्यू नहीं निकल रही है तो हमें इस फॉर्मेट में इसको एक्सप्रेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी जैसे मैंने 14 क्वेश्चन बताया था वैसे ही करना है। किसी भी स्टूडेंट्स का अगर कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ये मैंने इसलिए रिपीट किया हुआ है
तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पर दिया हुआ है इफ़ डी इज द एसीएफ ऑफ 56 एंड 72, हमें यहाँ पर इसका एसीएफ निकालना है। फाइंड द एक्स वाई सेटिस्फाई डी इक्वल टू 56x प्लस 72y, इस फॉर्मेट में हमें एक्सप्रेसिबल करना है। आल्सो सो दैट x एंड y आर नॉट यूनिक, मतलब ये बताना है कि x और y की डिफरेंट वैल्यूज क्या होंगी, वो यूनिक नहीं होगी। तो ये आपको क्वेश्चन में करना है। देखिए 56 का हमें पहले डिवाइड करना पड़ेगा 72 में, वन बार जाएगा 56, 12 में सीख गया, यहाँ पर 6 आया और यहाँ 1 आ गया। 56 में डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, 48 आएगा, यहाँ पर 8 आया। 8 का डिवीजन करेंगे 16 में, 8 2 16, यानी कि इसका जो एचसीएफ निकल के आया है वो आया 8। अब यहाँ से हमारी जो इक्वेशन है उसको कैसे लिखेंगे, 8 इज इक्वल टू 56x प्लस 72y, इस इक्वेशन को मैंने ए लेट कर लिया। अब यहाँ से हम जो यूक्लिड डिवीजन लेम है उसको यहाँ पर लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 72 इक्वल टू 56 इंटू 1 प्लस 16, यहाँ से लगाएंगे तो 56 इज इक्वल टू 16 इंटू 3 प्लस 8, और यहाँ पर लगाएंगे तो 16 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 0। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। इस इक्वेशन को हमें नहीं लेना है क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पर 0 है। इन दोनों इक्वेशन से हमें इस फॉर्मेट में करना है, इस फॉर्मेट में हमें इसको करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे बाय इक्वेशन सेकंड, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन से देखते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या निकल के आता है। 8 को पहले हम इधर कर लेते हैं, जैसे मैंने पहले किया था, 8 को हम यही रहने देते हैं, इसको हम इधर कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 56 माइनस 16 इंटू 3, ये आपकी इक्वेशन मान लेते हैं, यहाँ पर ये थर्ड आ गई। अब इक्वेशन आपको बाय इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट से। अब ये दूसरी इक्वेशन है आपकी, जो फर्स्ट इक्वेशन है 72 इज इक्वल टू 56 इंटू 1 प्लस 16, अब ये 16 को हम यही रहने देते हैं तो ये 16 इज इक्वल टू हो जाएगा 72 माइनस 56 इंटू 1, ये आपकी कौन सी इक्वेशन आ गई, 4 आ गई, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, अब ये थर्ड और फोर्थ में देखिए क्या करना है, हमें 72 और ये 56 नेसेसरी है लाना, तो देखिए 16 की जगह पर हम क्या करेंगे, ये पूरी वैल्यू को उठाकर रख देंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, फ्रॉम यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन थर्ड एवं फोर्थ, ये इक्वेशन है 8 इज इक्वल टू 56 माइनस 16 इंटू 3, ये 16 की जगह पर हमें पूरा ये रखना है तो 8 इज इक्वल टू 56, अब यहाँ पर ये 3 है, ये आपका मल्टीपल में है और 16 की जगह पर ये रखना है तो 72 माइनस 56 इंटू 1, अब इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 72 और माइनस माइनस प्लस 56 इंटू 3, अब इसको और इसको एक साथ कर लेते हैं, इसको 8 था यहाँ पर तो 8 इज इक्वल टू 56 प्लस का है 56 इंटू 3 और माइनस का 3 इंटू 72, यहाँ से आपको क्या समझ में आता है, इस वैल्यू से ये देखिए 3 है, इसमें आप 56 कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस 1 यानी कि 4 आ जाएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 56 और माइनस का 3 इंटू 72। अब देखिए यहाँ पर हमें इस फॉर्मेट में करना था, ये इस फॉर्मेट में, तो ये आपका देखिए इस फॉर्मेट में आ भी चुका है तो 4 इंटू 56, इसको हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे क्योंकि प्लस लगा हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे 72 और y की जगह पर आपका ये आ जाएगा माइनस का 3, तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि x की जगह पर है तो 56 इंटू हम
फोर भी लिख सकते हैं एट। अब इसे हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, जैसे मैंने पहले इक्वेशन को किया था, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट ए, एक से हम इक्वेशन सॉरी ए इक्वेशन ये हमारी लिखी हुई है, इससे कंपेयर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3, और यह CF मैंने आपको पहले ही निकाला था कि 8 आया था, ये आपके आंसर्स निकल के आएंगे। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बट कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ये रिमाइंडर वाले इक्वेशन को नहीं लेना है, बाकी ये जो मैंने जितना भी निकाला हुआ है ये यूक्लिड डिवीजन लेमा से ये इक्वेशन बना ली है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, वही ये लिखा हुआ है, ये मैंने पहले भी कई सारे क्वेश्चंस में निकाल के बताया है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन का आंसर आपका निकल के आ गया है, और यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है आज कंप्लीट होता है, और जो भी क्वेश्चंस आपके रिमेनिंग है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को सेशन को शेयर करते रहें। तो ये रिवीजन क्लास है आपकी क्लास टेंथ मैथमेटिक्स के लिए, उससे पहले मैंने लाइव लेक्चर में आपको क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया है, तो वो जाकर के आप अटेंड जरूर कर लें। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।